उस हिंदुस्तान के लिए लड़े जिसमें हम सब रह सकते। कभी भूलिए मत, नमो में नफरत के लहर आज से नहीं है, 47 से। जहां कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, यहां पे मुस्लिम लीग थे। हमारी और उनकी सोच में बहुत फर्क। और उस सोच के फर्क की वजह से 47 में जो कांड यहां जम्मू के इलाकों में हुआ, वो उसी की वजह। और अगर आज भी वो नफरत बढ़ती रही, जी सुनील वर्मा साहब, आज आप जम्मू आए और नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ पैटर्न डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से मुलाकाती हुए, और ये कार्यक्रम भी आज यहाँ शहर कश्मीर भवन में हुआ, तो आगे फ्यूचर की क्या प्लानिंग है? आप एक सीनियर लीडर नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, और नेशनल कॉन्फ्रेंस से कुछ लीडर पार्टी छोड़कर दूसरे सत्ताधारी पार्टियों में गए हैं, तो इस पर क्या कहना है आपका? डिक्लेरेशन की बात करते हैं वो, इस पर क्या कहना? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे पार्टी की जो सदर हैं कायदे सानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, अभी वो मुख्तलिफ ज़िलों का दौरा कर रहे हैं। कल उन्होंने रामबन में लोगों को संबोधित किया और अपनी बात सुनाई, और लोगों की जो कठिनाइयाँ लोगों को आ रही हैं वो उन्होंने सुनी। तो आज वो यहाँ जम्मू में हमारे जो वर्कर्स, जो हमारे कारकुन हैं, वो जहाँ इकट्ठे हुए थे, कल पता नहीं कहीं और उनका प्रोग्राम है, तो इस सिलसिले में जगह जगह जा रहे हैं। बाकी दूसरी बात आपने यहाँ की कि कुछ लोग पार्टी से चले गए, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक बहुत बड़ा वृक्ष है, तो इसमें से कोई एक टहनी अगर टूट भी जाती है तो कोई वृक्ष को कोई फर्क पड़ता नहीं है। और जहाँ पर पहले भी बहुत से लोग आए, बहुत से चले गए, ये एक बहुत एक तहरीक है, और एक इसमें लोगों का एक बहुत बड़ा समंदर है, तो इसमें कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। बाकी डिक्लेरेशन की आप बात करते हैं कि देखो, कश्मीर में डिक्लेरेशन जो गुपकार डिक्लेरेशन का जो गठन हुआ, उसमें कश्मीर की मुख्तलिफ जो सियासी तंजीमें थी, एक होकर उन्होंने एक मुद्दा, एक एजेंडा, एक डॉक्यूमेंट तैयार किया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि 370 हमसे छीन लिया मरकज़ ने, 35A हमसे छीन लिया, हमारी ये जम्मू कश्मीर जो किसी ज़माने में मुल्क हुआ करता था, आज़ाद मुल्क हुआ करता था, मुल्क के बाद जहाँ पे रियासत बनी, रियासत के बाद जो रियासत का दर्जा भी हमसे छीन लिया, और ये एक छोटे से ड्यूटी में इन्होंने उसको तब्दील कर दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ड्यूटी नहीं, ये यूपी बना रहे हैं जहाँ पर, उस किस्म का माहौल जहाँ क्रिएट कर रहे हैं। देखो, इन्होंने लोगों से, ये जो मरकजी सरकार है, इन्होंने लोगों को लुहावने नारे दिए थे जब ये सत्ता में नहीं थे, पावर लेने के लिए जो लोगों से जो समर्थन मांगा, जो वोट मांगे, तो इन्होंने लोगों को कहा था कि जब ये 370 टूट जाएगा, या 335 जब इनसे लिया जाएगा, तो उसके बाद जहाँ एक सैलाब आएगा तरक्की का। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, लोगों को ये कहा कि 50,000 लोग बेरोजगार जो नौजवान हैं हमारे, उनको रोज़गार मिलेगा साल का। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी आदमी को कुछ भी फ़ायदा नहीं।